सभी को त्रेक परमेश्वर की ओर से जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी प्रभु में आनंदित हैं। आइए आज के वचन की ओर हम जाते हैं। आज का वचन है भजन संहिता 51 अध्याय और उसकी 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हमारा परमेश्वर आज हमसे क्या कहता है? परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के आगे बलिदान जो हम परमेश्वर को करते हैं वो परमेश्वर ग्रहण करता है। कई बारी हम अपने जीवन को ही बलिदान नहीं करते। हम सब चीजें दे करके सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया, परंतु परमेश्वर आज हमारे जीवन को चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जो पहला सा प्रेम हमने परमेश्वर से किया था, जब हम प्रभु में शुरू में विश्वास रखते हैं और जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारे अंदर जो जोश होता है, जो उत्साह होता है, परमेश्वर के लिए कुछ करने का जो जुनून हमारे अंदर होता है, परमेश्वर वो ही प्यार चाहता है। परमेश्वर को और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर के आगे आज हमारा मन कैसा है? क्या कठोर तो नहीं हो गया? अगर आज हमारा मन कठोर हो गया है तो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर हमारे मनों को देखता है। परमेश्वर टूटे और पिसे व मनों को कभी तुच्छ नहीं जानता। हन्ना का मन जब टूट गया था तब परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। अगर आपका मन आज किसी भी बात से टूट रहा है तो परमेश्वर आपकी सुधि ले रहा है। परमेश्वर आज आपके सम्मुख है। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आपको ग्रहण कर रहा है। आप किसी भी बात के कारण कभी टूटे ना, कभी परेशान ना हो। आप परमेश्वर को कुछ और चीज देकर कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। केवल आपका जीवन, आपका मन परमेश्वर के आगे हमेशा ग्रहण योग्य बना रहे, ऐसी हमारी हमेशा प्रार्थना होनी पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी लोगों के लिए। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजा जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं पिता, अगर किसी का भी मन टूट रहा है किसी भी बात के कारण, तो हे मेरे परमेश्वर आज तू उनकी सुधि ले। परमेश्वर जिस प्रकार हन्ना का मन जब टूट गया था परमेश्वर, जब एली याजक ने भी उसे नहीं समझा, तब परमेश्वर आपने उसकी सुधि ली। तो परमेश्वर आज जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, अगर किसी का भी मन टूट रहा है किसी भी बातों के कारण, तो प्रभु आज तू उनकी सुधि ले और तू उन्हें खड़ा कर। हे मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य होने पाए, तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने पर है। अगर आज आपका मन टूटा हुआ है तो चाहे कोई आपको समझे या ना समझे, परंतु परमेश्वर के आगे आप ग्रहण योग्य हैं। परमेश्वर आपको ग्रहण करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु इन सब वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु में सदा आनंदित रहिए। मैं फिर कहती हूँ, सदा आनंदित रहिए।